सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाइपर अच्छा गेमिंग एंड टुडे वी आर प्लेइंग अगेन शैडो फाइट 3। गाइस लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था आप सभी को याद होगा, हम आए थे हेरल्ड्स के डोम में क्योंकि डायनेस्टी के ऊपर लीजन ने अटैक कर दिया है। लेकिन यहाँ आने के बाद इधर का जो मैनेजर है बोलो, उसने हमारी डायरेक्ट मदद नहीं की, यहाँ वहाँ बातें घुमाया और फिर बाद में जाके ये रिवील हुआ कि एम्परर और स्पियर को इन हेरल्ड्स ने ही अगवा करवाया है। मतलब इतने देर से जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एम्परर और स्पियर गए कहाँ, अब जाकर पता चलता है कि उन्हें किडनैप करने वाले ये हेरल्ड्स ही थे। देन हमारा बोलो के क्लोन के साथ बॉस फाइट भी हुआ और अब गाइज उस बोलो ने हमको एक ऐसी जगह भेज दिया है जहां से वापस कोई नहीं आ पाया है आज तक। आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले गाइज अभी गेम में चल रहा है ऑटम फेस्टिवल और इस फेस्टिवल में ना बहुत सारे रिवॉर्ड्स है। लिटरली यहाँ देखो, मैंने इस इवेंट में अच्छा खासा खेला है, दो तीन दिन खेला और मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखो ये जितने भी इवेंट्स गाइज स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये सभी मैंने ये ऑटम फेस्टिवल खेल के कलेक्ट किया है। मुझे बहुत सारे स्पीयर्स भी मिले, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आर मिले हैं एंड इनमें से कुछ का तो क्या यूज है मैं ये भी नहीं जानता, इन स्पेयर्स का खासकर, तो इन सबको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अभी और भी ऐसे रिवर्ड्स हैं, अनक्लेम्ड रिवर्ड्स हैं जो आज हम क्लेम करने जा रहे हैं। मैंने अच्छा खासा प्रोग्रेस किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैटल पास प्रोग्रेस है, देखो इसमें इतने सारे रिवर्ड्स, 26 रिवर्ड्स मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस कर रखा है। मैं जब भी एक मून केक को हराता था ना, तो मुझे वहाँ से 500-600 स्कोर मिल जाता था और मैंने अच्छे खासे स्कोर्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। हम इन्हें क्लेम कर सकते हैं, तो इधर क्लेम करते हैं इन रिवर्ड्स को गाइज। और ये देखो बंच ऑफ द रिवॉर्ड्स, एक बार में इतने सारे, और खासकर कॉइन्स देखो, 21,000 कॉइन्स हमें मिल गए एंड बहुत सारे की और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ बूस्टर पैक्स भी है, मैं इन्हें ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं इनमें हमें आखिर क्या मिलता है। फर्स्ट दो में बस अपग्रेड्स मिले मुझे, इस वाले से एक डाई मिला है मुझे एंड अगेन मुझे एक और डाई मिल गया। अब ये लास्ट सेकेंड बूस्टर पैक है अपना, ये क्या है भाई, फिल्टर्ड मैग्नियम। अब इसका क्या काम है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। एक और है, इसमें भी सेम मुझे वही आइटम मिला है, इसका यूज़ क्या है गाइस आप में से कोई मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना। और ये हो गया बैटल पास, लेकिन रिवॉर्ड सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होते, यहाँ पे मैं इवेंट्स में चलता हूँ और इवेंट्स में भी ऐसे बहुत सारे अनक्लेम्ड रिवॉर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने इनको क्लेम करना चाहता था। तो चलते हैं अपने इवेंट्स वाले सेक्शन में और मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके। सबसे पहले तो ये एक छोटा सा इवेंट था जिसमें मैंने 5,000 कॉइन्स बस किया है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये देखो 5,500 कॉइन्स यहाँ से मिल गए। नेक्स्ट गाइस अपना सेप्टेम्बर मैराथन है और इसमें 3 रिवॉर्ड्स है, इन रिवॉर्ड्स को भी क्लेम करते हैं और एक पैक मिला है। ये पैक से थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशन से जरा चेकआउट करते हैं, एपिक हेरल्ड्स पैक। और देखो भाई 85 पीसेस में पूरा काट दिया और मुझे एक नया रेंज वेपन दिखा। हमें 2 न्यू रिवॉर्ड्स मिल गए इससे, मतलब इक्विपमेंट्स, दैट्स नाइस। और गाइज अभी मेन चीज़ के लिए तैयार हो जाओ, ऊपर देखो 15 रिवॉर्ड्स और अगर क्लिक करें तो ये है अपना मून केक मैराथन जिसमें मैंने 20,000 स्कोर किया है, 20,000 पॉइंट्स, और यहाँ से हम 15 रिवॉर्ड्स क्लेम करने वाले हैं। एंड इनमें से भी सबसे स्पेशल है ये लूनर जेड एरिया, लेजेंडरी स्टाफ यहाँ से मिलने वाला है जो कि वन ऑफ द मेन आइटम है इस पूरे इवेंट का। तो अब देरी किस बात की, क्लेम करते हैं इनको। और ये देखो गाइज फिर से हमें बहुत सारे यहाँ पे नए रिवॉर्ड्स मिल गए, खासकर ये लूनर जेड एरिया का लेजेंडरी स्टाफ। मैं एक्साइटेड हूँ इसको चेकआउट करने के लिए और बूस्टर पैक्स भी मिले हैं, तो ओपन करते हैं। पहले ये लेजेंडरी हेरल्ड्स पैक है, इस पैक में गाइज मुझे एक नया वेपन मिल गया, ये देखो नए लेजेंडरी क्लॉस, और मेरे आर्मर को एक अपग्रेड मिला, बहुत सही रहा। और नेक्स्ट वन ये है एक यूनिक प्रीमियम वाला पैक, यहाँ से बस हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिले और कुछ नहीं। और लास्ट बूस्टर पैक गाइज एक और यूनिक प्रीमियम, और इस वाले में मुझे बस एक नया रेड एरो हार्पून मिला है। ओके गाइज यहाँ पे हमने मून केक मैराथन के रिवॉर्ड्स क्लेम कर लिए, अब एक लास्ट वन रिवॉर्ड्स बचा है वो भी मैं आपको क्लेम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टोर पे अगर मैं जाऊँ, इधर देखो गाइज यहाँ पे ऑटम फेस्टिवल के इवेंट्स हैं और इधर यहाँ पे मैं एक लेजेंडरी सेट पैक ओपन कर सकता हूँ, मुझे कोई भी एक लेजेंडरी सेट पैक मिल सकता है 120 टोकन्स में। तो इसे बाय करते हैं और देखते हैं हमें कौन सा मिलता है। मैं इसे पीसेस में कट करता हूँ, शायद से ज़्यादा पीसेस में कट करना मैटर नहीं करता। और देखे तो ये एक लेजेंडरी सेट मिल चुका है हमें यहाँ पे, मैं नाम चेक करता हूँ, वुल्फ लीडर का हमें एक लेजेंडरी सेट मिला है। आई डोंट नो ये कितना पावरफुल होगा, लेकिन ग्रीन नंबर शो हो रहे तो ये जरूर एक बैड एस सेट होने वाला है।
कंटिन्यू करते हैं। लेकिन गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, मैं एक और सेट अभी ओपन करने वाला हूँ, वो कैसे अभी आपको दिखाता हूँ। तो इधर देखो गाइस, इधर पूरे 6 यूनिक सेट है, देख रहे हो, यहाँ पे 6 यूनिक सेट है और मैं इनमें से कोई भी एक अभी बाय कर सकता हूँ, जितने टोकन्स मेरे पास पड़े हैं। तो इनमें से एक मैं बाय करने वाला हूँ। अब इनमें से 3 मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। फर्स्ट है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मंकी किंग वाला एक सेट है, वुकोंग वाला, और फिर नेक्स्ट एक साकुरा सेट है, देखो साकुरा डिजाइंस वाला, और लास्ट ये फेल्चर वाला हेरल्ड्स जैसा। तो इनमें से मैं कौन सा अनलॉक करूँ सोचा था, तो मैंने डिसाइड किया है कि हम ये साकुरा वाला सेट अनलॉक करेंगे, जिसका नाम है स्प्रिंग चैंपियन। ओके, ये स्प्रिंग चैंपियन सेट बाय करने वाले अभी, उसके लिए मुझे अपने टोकन्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पे मैं कुछ टोकन्स बाय कर लेता हूँ। अब बस और एक बार मुझे एक्सचेंज करना है एंड डन, मेरे पास 100 टोकन्स कलेक्ट हो चुके हैं यूनिक सेट के लिए। तो अब चलते हैं और अपने साकुरा वाले सेट को बाय करते हैं, जिसका नाम है स्प्रिंग चैंपियन। तो यूनिक सेट बाय करने वाले अभी, इसका नाम है साकुरा फैंटम, इसके आर्मर का नाम है। तो बाय करते गाइस इसे जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं यहाँ पे 100 टोकन्स देके इसे बाय कर लेता हूँ। एंड हियर वी गो, हमारा यहाँ पे यूनिक स्प्रिंग चैंपियन सेट ओपन होने वाला है, और ये पीसेस में कट कर दिया, एंड हियर वी गॉट इट। यहाँ पे देखो गाइस, पूरा सेट मिल चुका है, इसे एक्टिव करेंगे और चेकआउट करेंगे कि ये कितना पावरफुल है। ऑलराइट गाइस, यही थे ऑटम फेस्टिवल के रिवॉर्ड्स जो मुझे आप सभी को दिखाने थे। मुझे बहुत से कमेंट्स आए कि इस फेस्टिवल को खेलो, मैंने ऑफ स्क्रीन खेला लास्ट 2-3 दिन में, और देख सकते हो कितने सारे रिवॉर्ड्स मिल गए। इस इवेंट का मेन आइटम ये है गाइस, बैकग्राउंड लॉबी जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन उसके लिए 30,000 स्कोर चाहिए, मेरा अभी 20,000 हो गया है, और इस इवेंट को खत्म होने में अभी 4 दिन है। तो मैं रोज अगर 2-3 हज़ार स्कोर कलेक्ट करूं ना ऑन एन एवरेज, तब भी ये आराम से हो जाएगा। सो हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक नया लॉबी देखने को मिले। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, और बेल नोटिफिकेशन को ऑलवेज ऑल पे सेट किया करो। बाकी आज के गेम पे ध्यान देते हैं, अभी एक इक्विपमेंट मैं इक्विप कर लेता हूँ, फिर हम अपना स्टोरी पे चलेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मुझे हेलमेट चेकआउट करना है, और गाइस मुझे एक रेयर सेट भी मिला है, लाइक पूरा नहीं मिला है लेकिन मिला है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये डिवाइन जजमेंट सेट का है, डिवाइन जज ऐसा नाम है। मुझे किसी ने कहा था कि ये पॉपुलर सेट है इस गेम का, तो मुझे इसके 2-3 आइटम्स मिल गए हैं ऑलरेडी, मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये तो अपना वुल्फ लीडर और स्प्रिंग चैंपियन वाले हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसका आर्मर दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रोल करें तो यहीं कहीं होना चाहिए, किधर चला गया यार ये डिवाइन जज का आर्मर। ओके ये रहा फाइनल जजमेंट, ये देखो गाइस इसका आर्मर, अरे बैडेस दिख रहा है यार, सच में लाइक लिटरली बैडेस दिख रहा है। और ये तो अपना लूनर जेड एरिया स्टाफ जो हमको मून के एक मैराथन से मिला है, इसे भी यूज करेंगे। और वुल्फ लीडर का ये नाइफ, बड़ा टिंगू सा है ये नाइफ, और ये अपना स्प्रिंग चैंपियन का ग्लेव। ओके वेपन चेकआउट कर लिए। अब गाइस रेंज्ड वेपन में भी हमें कुछ नया मिला है, चेक करते हैं। ये अपना हॉर्न मिला है, हॉर्न से क्या होगा यार बैटल में। और ये अपना हार्पून, मुझे एक धनुष मिला था, मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा सा स्क्रॉल करते हैं, यहीं कहीं होना चाहिए। और देखो गाइस मुझे आइस फैंग्स की कुनाई भी मिले इधर, और ये इसके बगल में ये अपना सन सिंथेसिस का लेजेंडरी बो, देखो पूरा सेलिस्टियल बो लग रहा है ना देखने से, ब्यूटीफुल बो है, मैं इसको यूज़ करने के लिए एक्साइटेड हूँ। ऑल्सो गाइज आई गॉट 2 न्यू कटानास, मैं आपको दिखाता हूँ, शेडो स्लेयर तो अपने पास था ही, नेक्स्ट मुझे 2 नए कटाना मिले हैं। सबसे पहले अपना ये पर्पल पिलर, ये देखो डार्क सा कटाना है, और उसके बाद मुझे एक कटाना मिला है रेड कलर का, ये देखो फेथ एंड, ये डिवाइन जजमेंट सेट का कटाना है। और मेरे पास एक कीन कटाना ये पहले से पड़ा हुआ था, तो टोटल अब मेरे पास 4 कटाना है, जिनमें से 3 स्ट्रॉन्गेस्ट वन है, और बाकी 2 नए वाले उन्हें भी यूज करेंगे। ओके गाइस यही थे हमारे इक्विपमेंट्स, आई नो थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन इतने सारे रिवॉर्ड्स मुझे मिल गए हैं, तो दिखाना तो पड़ेगा ही ना, वरना आप लोग कहोगे एक बार में इतना सब कहाँ से आया, तो बताना पड़ता है। और ये देखो मेरे 10 सेट कंप्लीट हुए हैं, तो एक एक करके इन सभी को क्लेम करते हैं। और यहाँ पे मेरे को जेम्स मिल रहे हैं 50 जेम्स, और इस वाले का तो 10,000 कॉइन मिला अपने वुल्फ लीडर का। तो ये दोनों टॉप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट है अभी। ओके गॉट इट। फाइट पे जाने से पहले मैं कोई एक पर्टिकुलर सेट इक्विप करना चाहूँगा, वुल्फ लीडर तो नहीं, ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा शुरुआत में ही। और नीचे ज़रा स्क्रॉल करें, देखो गाइस डिवाइन जजमेंट के सभी इक्विपमेंट्स हैं, बस रेंज्ड वेपन मिल जाए ना देन ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्सो ये जो अपना स्प्रिंग चैंपियन है इसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, बट मेरे पास इसकी स्पीयर ही नहीं है। ओ तो स्पीयर का काम अपग्रेड में आता है, अभी पता चला मुझे। एक कटाना वाला सेट था ना मेरे पास, हाँ ये रहा पर्पल पिलर, ये वाला सेट इक्विप कर देता हूँ। और अरे इसका हेलमेट, मैं इसका हेलमेट रिमूव कर दूंगा गाइज, उतना कुछ खास नहीं लग रहा है ये हेलमेट। अब गाइज आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी चीज कर लेते हैं, एंड वो है अपना सिंक्रोनाइजर चेक करना। तो चलते हैं सिंक्रोनाइजर में, स्टोरी में कुछ नया हुआ है, रुको चेकआउट करते हैं। इस पर टाइप करें तो ये देखो हेरल्ड्स में कुछ आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे द डोम का आखिरी नोट है,
I was not mistaken. Bola really isn't completely sane. He wants to expand the dome to cover the whole dynasty to protect it from the Legion forever. Honestly, I admire such a crazy idea. But June is ready to tear Bolo's eye out. I have never seen her so angry. भाई उसके फादर के साथ उसने ऐसा किया है, गुस्सा तो होगी ना, साइबॉग बना दिया उसके फादर को आखिर। ओके, क्लेम कर लिया है मैंने ये रिवॉर्ड, अपग्रेड्स है मेरे पास, ये सेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट गाइज एक और आया है, द लॉस्ट आर्मी। यार ये तो बड़ा सा नोट है, मैं इसे ज़रा पढ़ता हूँ और देखता हूँ इधर क्या सीन है। गाइज यहाँ पे किसी जगह के टाइम लूप के बारे में मेंशन किया गया है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है किस बारे में यहाँ कहा जा रहा है, शायद से हम जब खेलेंगे ना तो अपने आप हमें पता चल जाएगा। तो चलते यहाँ से निकलते हैं। यही था अपना हेरल्ड्स का द लॉस्ट आर्मी। इधर एक टाइम लूप के बारे में मेंशन है, मैं बाद में इसे चेकआउट करूँगा। और अभी कैरेक्टर्स का देख लेते हैं। कैरेक्टर्स में बस दो लोगों का हमें नोट मिला है, फर्स्ट है इतू, और चेक करते हैं। इतू एंड जून सेड समथिंग अबाउट एरोस ऑफ द स्पीयर एंड देयर एजेंट्स, बोथ इतू एंड जून आर सच एजेंट्स एक्चुअली मोर एंड मोर मिस्ट्रीज। लो भाई एरो ऑफ द स्फीयर नाम का एक और मिस्ट्री मिल गया हमें सॉल्व करने के लिए, अपने आप हो जाएगा स्टोरी के साथ साथ। तो ये इतू का नोट था। नेक्स्ट स्ट्रेंजर का एक नोट मिला है, पता नहीं कैसे मिले है बट मिले है। आई वॉन्ट टू बिकम बेटर स्ट्रॉन्गर, आई वॉन्ट टू बीट एवरी वन। हाँ भाई ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये इसका एक नोट था। और दूसरे नोट में क्या है, रुको यहाँ चेक करें तो, अरे वही सेम बात है यार। ओके क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे दोनों नोट हमने क्लेम कर लिए, सिंक्रोनाइजर और कैरेक्टर्स हमने चेक कर लिया है गाइज। सो अब मैं चलता हूँ और जल्द से अपना ये हेलमेट पहले रिमूव कर देता हूँ। ऑल राइट, मैंने यहाँ पे अपना हेलमेट हटा दिया है। अब गाइज रेडी हो जाओ, हम अपने चैप्टर 3 को कंटिन्यू करने वाले। बोलो हमको किसी ऐसी जगह भेजने वाला था जहाँ से आज तक कोई रिटर्न नहीं आया है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। मैं यहाँ पे चैप्टर 3 पे टैप कर देता हूँ और चलो। जून, वेयर आर वी नाउ? इट्स लुक्स लाइक द लीजेंस विलेज बट इन द डायनेस्टी जंगल। तो देखो भाई उसने हमें एक स्ट्रेंज जगह पे भेज दिया है और यहाँ से आज तक कोई भी लौट कर नहीं जा सका है। ये एक विलेज काइंड ऑफ प्लेस है। तो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन है आखिर यहाँ का। एंड वेट, ये कौन है? मार्कस, टुमारो इज द डिसाइसिव बैटल, वी विल अटैक द डोम एंड बी डन विद द हेरल्ड्स एंड द स्फीयर वंस एंड फॉर ऑल। तो गाइस ये मार्कस नाम का बंदा है यहाँ पे और ये भी जा रहा है अटैक करने के लिए हेरल्ड्स के ऊपर। शायद से इसे भी इस जगह पे फेंका गया है। और ये तो वही बंदा है ना जो इंट्रो में होता है। जून, साउंड्स एनकरेजिंग, ऑब्वियसली वी आर गोइंग वन वे विद दैट हैंडसम। तो जून कह रही है कि हम इसके साथ जाइए क्योंकि हमारा दुश्मन एक है ना, समझ आता है। मार्कस, हाउ डिड यू गेट देयर? गेट देम। ओके तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये गेट देम किसी से लड़वाने वाले हो क्या मुझे? टाइमलेस विलेज, ये क्या है? फाइट ऑफ अ प्योरिस्ट। तो हमें यहाँ पे आते ही फाइट करना पड़ेगा। तो लड़ते हैं गाइज, हमारा पहला फाइट आज का शुरू होने वाला है। सो लेट्स बिगिन, देखते हैं क्या होता है। और हम अपने न्यू कटाना को यूज़ भी तो करेंगे, पर्पल पिलर। और ये अपना राउंड वन, कितना ब्यूटीफुल बैकग्राउंड है। चलो ये दिल खुश कर देता है हर बार। और अब अटैक करते हैं। और रुको रुको रुक भाई, नया हुआ अभी। अरे रुक जा यार, बदतमीजी नहीं। ओके अब अच्छे से यूज़ करते हैं। तो इसका हैवी मुझे सही लग गया, फिर से मारते हैं एक हैवी। और ये देखो हैवी स्ट्रॉन्ग है इसका। और ये बैक मूव भी कमाल का है, एकदम चाकू पूरा घोप देता है। और ये लो सुप्लेक्स, फिर से एक हैवी देते हैं। और इस बार में काम तमाम होना चाहिए, ये लो जीत गए। फर्स्ट राउंड हमने इस प्योरिस्ट को हरा दिया। यार ओपी है ये कटाना, नॉट बैड, मुझे पसंद आ गया। अब बारी अपने सेकेंड राउंड की, लेकिन वो बात अलग है, अपना शैडो स्लेयर एक अलग ही लेवल पे है। अब चलो फिर से इसे मारते हैं हैवी से या फिर बैक से, बैक मारते हैं। और ये देखो, और अब शैडो एनर्जी यूज़ करते हैं। एंड ये पहला, ओ ये वही इतू वाला है, ये तो नॉर्मल है। और ये अपना ब्लास्ट, और ये वाला मिस हो गया, लॉल। वेल उसके एचपी थोड़ी सी ही बची है, तो हम कुछ डायरेक्ट हिट देके काम तमाम कर सकते हैं आई गेस। रुक थोड़ा रुक, ये ले और ये लो खत्म। हम यहाँ पे गाइस ये वाला मैच जो है जीत चुके हैं। इस प्योरिस्ट के साथ हमें लड़ना था और नाम था टाइमलेस विलेज। तो इसने किसी टाइमलेस जगह पे हमें फेंक दिया है क्या? डोंट नो, आगे देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बहुत एक्सपी मिल गया हमें और ये कुछ मुद्रा है। अब ये हालांकि उतना मैटर नहीं करता, हमारे पास लाखों में पड़ा है अब कॉइन्स। खैर अभी पता करते हैं कि हम है कहाँ। मार्कस, आई वॉन्ट वेस्ट माई सोल्जर्स एनी मोर एंड यू इंट्रूडर्स विल हेल्प मी टुमारो इन द होली वार ऑफ द लीजन। लीजन, ये मार्कस लीजनरी है क्या? वेल इसके अपीरियंस से लगता ही है ये लीजनरी होगा, क्योंकि डायनेस्टी होता तो वो लोग थोड़े सुनहरे टाइप के कपड़े पहनते हैं और हेरल्ड्स तो अपना हाईटेक पहन के घूमते रहते हैं। इतू, आई गेस आई नो वेयर आर वी, अ लॉन्ग टाइम एगो द लीजन नियरली डिस्ट्रॉयड द हेरल्ड्स, देयर लीडर नेम वॉज मार्कस। मतलब ये मार्कस कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है गाइस, बहुत टाइम पहले ना लीजनरीज ने हेरल्ड्स के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और हेरल्ड्स को ऑलमोस्ट तबाह करके रख दिया था। और उनका लीडर कौन था? मार्कस। मतलब स्ट्रॉन्ग बंदा यार ये तो। और हो सकता है कि बोलो ने इसको तब से यहाँ फंसा रखा हो,
मतलब ये बंदा बहुत टाइम से यार इधर। इट वॉज बोलोस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विथ टाइम, ही इम्प्रिजन्ड मार्कस एंड हिज आर्मी इन द साइकिल। एज आई एक्सपेक्टेड यार, जून I talk to Marcus, we attack at dawn with him, he knows the shortcut. तो यहाँ पे गाइज हम लोग मार्कस के साथ जाएंगे हेरल्ड्स का अटैक करने के लिए, क्योंकि दुश्मन हमारा एक ही है। वैसे ये बंदा अगर इतने टाइम से इधर है तो अब तक बाहर क्यों नहीं निकला है? जरूर इसके पीछे भी कोई वजह होगी, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे अपना डिवाइन जज वाला आर्मर यूज करने वाला हूँ। देखो मैंने इक्विप कर दिया, और इसका कटाना कहाँ गया? वो रेड वाला ढूंढने दो, ये देखो फेट्स एंड। और रेंज्ड वेपन नहीं है इसका मेरे पास, तो हम ये यूज करेंगे सन सिंथेसिस लेजेंडरी बो, या फिर हम इसे अपना सेलेस्टियल बो भी कह सकते हैं। क्या ही जो चमकीला वेपन है, और मुझे आर्मर इसका अपीयर पे डाल देना चाहिए ना, हाइड नहीं करते। और ये देखो ऑन कर दिया है मैंने इसका आर्मर। अब चलते हैं अपने चैप्टर 3 में और कंटिन्यू करते हैं। जून, व्हाइल वी स्नीक थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ एनोमलीज, इतु कुड यू टेल अस व्हाई एवरीथिंग अंडर द डोम इज सो वियर्ड। तो यहाँ पे ये डोम के बारे में इतु से क्वेश्चन पूछ रही है। इतु, यू मीन अपग्रेडेड, हाउ आर वी सो फार अहेड ऑफ यू, इमेजिन अ मैन विथ अ ब्रेन बूस्टेड टू अनप्रेसेंटेड लेवल्स। अब ये लोग किस तरह से डेवलप्ड है, ऑब्वियस सी बात है शैडो एनर्जी पे इन्होंने डीपली रिसर्च कर रखा है इसीलिए। इतु, बूस्टेड विथ अ शैडो एनर्जी एंड नाउ इमेजिन दैट यू कुड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मटेरियल यूजिंग शैडो एनर्जी। तो इन लोगों का प्रॉपर कंट्रोल है भाई, पूरा समझ लिया इन्होंने शैडो एनर्जी को और उसी से इतना डेवलप किया है। जून, स्ट्रक्चर, आई डिडंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस बट साउंड्स डेंजरस एंड हियर कम्स द फर्स्ट एनिमी ऑफ मार्कस आर्मी। तो यहाँ पे हम लड़ने वाले हम मार्कस के दुश्मनों से, हम उन्हीं के साथ अभी घूम रहे हैं ना। न्यू डॉन फेट्स, डिफीट द शैडो डाइवर्स विथ मार्कस। श्योर, वाई नॉट, फाइट शुरू करते हैं अपना और देखते हैं गाइस कि अपना ये शैडो जजमेंट सेट कैसा है। पूरा नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट समझो। राउंड 1 और सामने देखो एनोमली सेट वाला बंदा। ठीक है, मैं इसका बैक अटैक से शुरू करने का सोच रहा हूँ या फिर फ्रंट मारे। अरे नहीं, ये देखो ये बैक, अरे सेम ही है, एक हैवी दू तो। हाँ ये सेम है पिछले वाले कटाना का। एक और बैक देते हैं और लग गया। अब एक हैवी की तरफ जाना चाहूंगा, अरे ब्लॉक कर ली, अरे रुक जाया, नीचे गिरा दी, मुझे हैवी देना ही होगा। और ये देखो क्या ही तो प्यारा हैवी लगाया, और धनुष यूज कर दे। ये देखो गाइज, ये वो ऐसा लग रहा है कि मैं शैडो एबिलिटीज यूज कर रहा हूँ बिना शैडो फॉर्म में होके। तो ये धनुष खतरनाक मिल गया मुझे। पीछे हटते हैं अभी जरा, एक और बार मैं ये बो यूज करना चाहूंगा। अरे रुक जा दीदी, रुक जा, इसे गिराओ और खत्म करते हैं, अगले राउंड में यूज कर लेंगे। और जीत गए हम फर्स्ट राउंड। अब बारी है सेकंड राउंड की, और ये बो कमाल का था गाइज। बाकी ये आर्मर तो है ही लाजवाब, हम देख रहे हैं ये कैसा कर रहा है। और ये अपना राउंड 2, शैडो एबिलिटीज यूज करें क्या? कर देते हैं ना, फ्रंट वाले से शुरू करेंगे। ये रहा अपना कटाना स्पिन। अब लोअर वाला, अरे नहीं नहीं अपर वाला मारना चाहिए था, अरे वेस्ट हो गया। अरे नहीं यार, मुझे अपर वाला मारना चाहिए था। फिर से एक बार कटाना स्पिन, एचपी बहुत कम है, एक हैवी मार देता हूँ, फिर भी बच गई। एक बैक, अरे हारती नहीं है, मुझे एक और मारना पड़ेगा और क्रिटिकल दे दी। धनुष यूज करें क्या? पीछे चलते हैं, अपना धनुष बाण यूज करते हैं ना। ये ले तो धनुष, और ये लो जीत गए। ये बहुत तगड़ा है गाइज, और बाकी डिवाइन जज सेट का क्या ही कहे। एक बार इसका रेंज्ड वेपन मिल जाए ना, फिर ये सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा, और हम लोग जीत चुके हैं ये वाला राउंड। थोड़ा बहुत एक्सपी हमें मिल चुका है और कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हमें हैरल्ड्स के ऊपर अभी अटैक भी तो करना है। चलते हैं। जून, वेयर इज मार्कस आर्मी, वी आर ऑल अलोन हियर। तो गाइस शाम को हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं लेकिन मार्कस की आर्मी आई नहीं है। ये रहा गाइस मार्कस, और इसे ये क्या हो रखा है यार, पूरा ग्लिच कर रहा है ये तो। एवरी टाइम आई रीच दिस मोमेंट वेयर आई एम स्टैंडिंग अलोन बिटवीन दीज ट्रीज समथिंग स्टार्ट्स टू हैपन। समझा गाइज, यहाँ पे ये इस मोमेंट में जब भी पहुँचता है ना, इसके साथ कुछ गड़बड़ होने लगता है। तो बोलो इसको इससे आगे बढ़ने ही नहीं देता इस मोमेंट से। My memories comes back. I understand that I was here million times before. Go away. Soon I won't even recognize you. तो देखा, ये इतने टाइम से इधर से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि जैसे ही निकलने के लिए ये इस जगह पहुंचता है ना, तभी मार्कस के साथ ये टाइम ग्लिच होना शुरू हो जाता है। What? और वो खुद बाद में भूल जाता है कि वो यहाँ तक आया था, और ऐसा मिलियंस टाइम हो चुका है इसके साथ, इसीलिए बंदा आज तक निकल नहीं पाया यहाँ से। इतु, इट्स इम्पॉसिबल, ही एग्जिस्ट इन मल्टीपल डायमेंशन एट द सेम टाइम समहाउ, बट दैट मीन्स Soon we will return to, कहाँ पे return? रुको, क्या हुआ यार? हम किसी जगह वापस आ गए, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अभी हमको वापस जाना पड़ेगा चैप्टर 3 में और फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं अपना आर्मर चेंज करना चाहूंगा। इतने सारे सेट मिले हैं, अलग अलग यूज करेंगे ना। ये वुल्फ लीडर वाला मैं इक्विप कर देता हूँ। और चलो गाइस, मैंने यहाँ पे ये वुल्फ लीडर वाला इक्विप कर दिया है। पूरा खतरनाक लग रहा हूँ यार, जंगली लग रहा हूँ मैं तो। चलो ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर 3 में और देखते हैं क्या हुआ आखिर। Marcus, tomorrow is a decisive battle. We will attack the dome and be done with the heralds and the sphere once and for all. Wait,
शुरुआत से सब शुरू हो गया, मतलब समझ रहे हो गाइस, ये एक टाइम लूप है, हम जैसे ही उस मूवमेंट में पहुंचे ना वापस से सब शुरुआत से शुरू हो गया। और ये देखो मार्कस वही कहने लगा जो बातें ये आज शुरुआत में कह रहा था, तो इसीलिए बंदा आज तक यहाँ से निकल नहीं पाया जबकि ये सालों से इस जगह पे कैद है और मिलियंस टाइम इसने कोशिश कर ली है। इतु वी मस्ट फाइंड द वे आउट ऑफ द साइकिल, बोलो ऑफेंस परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन हिमसेल्फ, टू ऑफ हिज क्लोन्स डाइड दैट वे। तो अब गाइज हमको इस टाइम लूप से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना हम हमेशा के लिए इस टाइम साइकिल में कैद होके रह जाएंगे। तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। टू ब्रेक द साइकिल यू नीड टू फाइंड अ इको टू कैच योर डोपलगैंगर, यू कैच इट एंड यूज इट रियलिटी टू एस्केप। डोपलगैंगर मतलब शायद से हमें कोई हमशक्ल या फिर कार्बन कॉपी टाइप का इंसान चाहिए क्या? जून स्टार्ट चैंटिंग और सिंगिंग एंड लुक दैट सेम सोल्जर इज मार्चिंग टूवर्ड्स अस अगेन। सो यहाँ पे गाइज हमें इस टाइम साइकिल से बाहर निकलने के लिए रियलिटी का कोई ना कोई सोर्स चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे हम जून को गाना गाने के लिए कह रहे हैं ताकि हम उसके डोपल गैंगर को बुला सके बाहरी दुनिया से और यहाँ से निकल सके। पहले मैं इसको हरा देता हूँ, यहाँ पे वही फाइट फिर से होने वाला है। देखो फाइट शुरू हो चुका है अपना और राउंड वन देखो गाइज वही बंदा है प्योरिस्ट, देख रहे हो सब कुछ वहीं से शुरू हो गया, ये पूरा एक टाइम लूप में फंसे हुए हम लोग। फिलहाल मैं इसे हराने पे ध्यान देता हूँ और डैमेज देखो गाइज, ये टिंगू सा नाइफ तो यार ओवर पावर निकला और लो भाई हमने गिरा दिया। अरे रुक यार पहली बार यूज कर रहा हूँ, डैमेज कितना खतरनाक पड़ रहा है और हैवी, ये लो भाई जीत गए हम। इतना खतरनाक होगा ये नाइफ मैंने नहीं सोचा था, मुझे लगा कितना छोटा सा मेन वेपन है, लेकिन ये तो बैडएस निकला भाई। राउंड टू इस बार शैडो एबिलिटी यूज करते हैं और देखते हैं इसका शैडो एबिलिटी कैसा होगा, बट फर्स्ट मैं इसका हैवी देखना चाहूंगा, जरा चेक करे तो। और ये देखो इसका हैवी तो अनस्टॉपेबल टाइप है, और अब शैडो एबिलिटी ये लो नाइफ, और ये देखो भाई कितने कूल वे में ये अपना नाइफ यूज करता है, और ये अपना अपर वाला शैडो एबिलिटी एंड जीत गए हम। हमने यहाँ पे इस प्योरिस्ट को हरा दिया है, और ये वुल्फ लीडर आर्मर मतलब पूरा सेट क्या ही कहूँ, बैड एस है, जीत गए हम ये वाला राउंड। और गाइस इस टाइम लूप का कुछ करते हैं यार, मैं फिर से वापस उन्हीं बंदों से नहीं लड़ना चाहता हूँ, मुझे निकलना है यहाँ से। और ये कुछ छोटे मोटे रिवॉर्ड्स जिनका क्या यूज है मुझे नहीं पता। जून द ओनली चैंट दैट स्प्रिंग्स टू माई माइंड इज द वन दैट गैलन टोल्ड मी इन माई चाइल्डहुड। तो एक ही गाना जून को याद आ रहा है जो कि गैलन ने उसे सिखाया था बचपन में, ठीक है वही गा। थ्री शार्प एरोज इन द मॉर्निंग वेर रिलीज फॉर द वार्निंग, ओके ये गाना है ठीक है गाइस मजाक नहीं। इतु लिसन यू हियर दैट जून्स वॉइस इज रिपीटिंग इटसेल्फ, स्टैंड बाय इन अ मोमेंट वी विल सी जून्स डोपलगैंगर। तो गाइस जून की आवाज जो है ना इस रियलिटी पे इफेक्ट कर रही है, और अब हम जल्दी इसके डोपलगैंगर से मिलने वाले हैं, मतलब इसके डुप्लीकेट से ना। तो अभी नहीं, पहले मैं अपना आर्मर चेंज करूंगा फिर चलेंगे। और अब मैं सोच रहा हूँ अपना साकुरा वाला आर्मर एक्यूब कर ही लेते हैं, अपना स्प्रिंग चैंपियन नाम था ना उसका, ठीक है ढूंढने दो मुझे, यहाँ पे नीचे चलते हैं। और देखो ये रहा, एक्यूब कर देता हूँ इसे, एंड लुक एट इट गाइज ये आर्मर हमें पूरी तरह से जैपनीज रॉयल वाइब्स दे रहा है, और कितना ब्यूटीफुल आर्मर है ये, इसके डिजाइन देखो एकदम ट्रेडिशनल डिजाइन हो रखे हैं इसके ऊपर यार, यही तो एक रीजन था जो मैंने इसे बाय किया, और मैच खेलते वक्त तो ये और कूल लगेगा। देखते हैं ये कैसा लगता है और चलते हैं अपने चैप्टर 3 में और इसे यूज करते हैं। ऑल्सो जून के डोपल गैंगर से भी तो मिलना है। लॉस स्काउट, हे हो इट्स मी नाउ, ये बंदा कौन है, मैंने इसे कहीं तो देखा है, शैंग्विन फॉरेस्ट इवेंट पे देखा था शायद मैंने इसे, हो सकता है कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यही है क्या जून एंड दिस इज माई डोपल गैंगर, ये बंदा इसका डोपल गैंगर है। आई एम द फर्स्ट स्काउट हु विल लीड द होल लीजन टू द होली ग्रेल एंड यू एनक्रोच ऑन माई यूटोपिया, सो यू आर डन। और ये बंदा झगड़े के मूड में लग रहा है, ये जून का डोपल गैंगर कैसे हो सकता है, पर है अब लड़ना पड़ेगा इससे। पेशेंस जीरो, बीट द स्काउट टू लर्न हाउ टू एस्केप अ टाइम लूप, ओके ठीक है हमें एस्केप करने का जरिया मिल रहा है तो क्यों नहीं, लेट्स फाइट। बाकी पता नहीं ये जून का डोपल गैंगर कैसा है, बट हमारा फाइट शुरू हो चुका है, और अपना आर्मर देखो कितना ब्यूटीफुल आर्मर है, और लड़ते हैं अभी। एक बैक हैवी कैसा है इसका, और ये ग्लेब का हैवी तो स्ट्रांग है, ये देखो रेंज्ड वेपन, और एक और रेंज्ड वेपन मारते हैं एंड जीत गए हम लोग फर्स्ट राउंड। अब शैडो एबिलिटी यूज़ करेंगे, ठीक है देखते हैं इस ग्लेव का शैडो एबिलिटी कैसा है, मैंने कभी भी ग्लेव का शैडो एबिलिटी यूज़ नहीं किया है। राउंड टू लेट्स गो गाइस, इस लॉस स्काउट की बैंड बजाते हैं, और ये इसका, अरे रुक यार शैडो एबिलिटी यूज़ करने थे, एंड ये क्या था, उसने लिटरली ग्लेव को फेंक के मारा उसके आर पार, और हम जीत भी गए यार, ये ग्लेव तो अपने आप मेरे पास वापस आया,
थॉर का हथौड़ा था क्या? लेकिन जो भी हम लोग जीत गए और हमने यहाँ पे इस लॉस स्काउट को हरा दिया है, मतलब अब हमें इस टाइम लूप से बाहर निकलने का जरिया मिल जाएगा। जल्दी चलो यार, फाइनली मैं रियलिटी में जा पाऊंगा, पता नहीं कहाँ फंसा हुआ था। इतु, सो यू आर फ्रॉम ओवर टाइम, देन यू कैन हेल्प अस, हाउ कैन वी गेट बैक? तो गाइज देखो, ये डोपलगैंगर रियलिटी से आया है, ये बता सकता है कि हम कैसे निकल सकते हैं। लॉस स्काउट, मार्कस होल्ड्स द होल एनोमली विथ हिज विल पावर, वेट हिज कॉपी विथ ऑल हिज मेमोरीज एंड यू विल सेव हिम। मार्कस के पास है गाइस, ये कह रहा है मार्कस को हराना है और उससे हमको यहाँ से निकलने का जरिया मिल जाएगा, बट कैसे? थोड़ा अच्छे से बता यार, ऐसे थोड़ी समझ आएगा। नो वन वुड थिंक दैट द सोर्स ऑफ द इल्यूशन केम फ्रॉम इनसाइड द मैन हु वांट्स टू गेट आउट मोर देन एनीवन एल्स। सो यहाँ पे समझ रहे हो ना गाइस, ये पूरा जो इल्यूशन है ना, ये उस आदमी के अंदर से आ रहा है जो यहाँ से सबसे ज्यादा जल्दी चाहता है निकलने की। और कौन चाहता है? मार्कस, क्योंकि वो सालों से यहाँ पे फंसा हुआ है, तो उसे यहाँ पे सबसे ज्यादा बाहर निकलने की चाह है और उसी को हमें हराना है। उसे अगर हम एक बार हरा देते हैं तो ये पूरा इल्यूजन टूट जाएगा और हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। फाइनली गाइज, अब हमें पता है कि क्या करना है इस टाइम लूप से निकलने के लिए, तो चलो चलते हैं, मार्कस को हराते हैं। इतु, बोलो न्यू, नन ऑफ द प्योरिस्ट वुड एवर टर्न अपॉन देयर बिलव्ड लीडर, इट मींस वी मस्ट डू दैट। तो देखो यहाँ पे भाई, मार्कस के खिलाफ कोई नहीं जाता, अगर हम उसके खिलाफ जाके उसे हरा देते हैं तो शायद ये लूप पूरा टूट जाए। तो कंटिन्यू करते हैं और लड़ते हैं मार्कस से। मार्कस, हेरल्ड, इफ यू डोंट वांट टू फाइट फॉर योर फ्रीडम because I spared you, just run away while you can. नहीं मार्कस, तुझे तो अभी हमें हराना पड़ेगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। Breaking the void, defeat Marcus to escape a time glitch. Yes, sure, why not? चलो गाइज लड़ते हैं मार्कस से, इसे हराते हैं और निकलते हैं इस टाइम लूप से। ऑल्सो ये बॉस फाइट होने वाला है, तो सभी रेडी हो जाओ, मैं यहाँ पे फाइट पे टाइप करके फाइट शुरू करता हूँ। मार्कस से लड़ने वाले गाइज, इसको मिला के तीनों बंदे से हम लड़ लिए ना, जूनी तो, और ये देखो इसके साथ टाइम ग्लिच हो रहा है, ये वही ग्लिच वाला बंदा है ना। ठीक है गाइज, अब इससे लड़ते हैं, फ्रंट मारते हैं और रुक रुक भाई, अरे ये क्या यार, भूत जैसा अटैक कर रहा है। ओके, मैंने भी मारा है और एक अपर दुखिया, नहीं अपर वाला कुछ ज़्यादा शॉर्ट रेंज के लिए है, एक लोअर लोअर लगा, अब एक हैवी देते हैं, रुको ये देखो हैवी और डैमेज, देखो एक और हैवी एंड हियर वी गो, जीत गए हम लोग फर्स्ट राउंड। यार अपना स्प्रिंग चैंपियन सेट तो कमाल का है, इसे खरीदना वर्थ इट लग रहा है अभी तो मुझे, ये अपना राउंड टू है, लेकिन इतनी जल्दी हम कह नहीं सकते, पहले इस मार्कस को हराते हैं। आजा मार्कस, मैं तो अभी बहुत एक्साइटेड हूँ अपने ग्लेव को यूज करने के लिए। ओह वेट यार वेट, मुझे अटैक तो करने दे ब्रो। ये ले हैवी, एक और हैवी, एक और हैवी, और ये लो दूसरा, एंड ये अपना ग्लेव थ्रो। जीत गए हम लोग सेकंड राउंड। अरे भाई क्या बैड एस हो रखे हैं यार हम, पीट दे रहे सबको। ये देखो ये बॉस फाइट है, आपको लग रहा है ये बॉस फाइट है, बहुत ही ओवर पावर्ड हो रखे हैं। रुको गाइस, थोड़ा सा मौका देते हैं ना मार्कस को भी अटैक करने का, वरना हम इसके स्पेशल एबिलिटीज देख नहीं पाएंगे, तो थोड़ा मैं पीछे हट जाता हूँ। आजा भाई मार ले, और ये देखो ये पूरा टाइम में ऐसे स्किप कर करके आगे आ रहा है, चलो हरा देते हैं इसे। हाँ क्या ही टाइम देना, कुछ करेगा तू डिफरेंट? मुझे नहीं लगता करने वाला है। तो हैवी मारते और जीत गए, एक हैवी से जीत गए गाइस। यहाँ पे हमने ग्लिच्ड मार्कस को हरा दिया है और हम लोग ये बॉस फाइट जीत चुके हैं। अब तक के मेरे शैडो फाइट 3 के जितने भी बॉस फाइट्स थे ना, ये उनमें से सबसे इजी वन था और हमारा लेवल 9 हो चुका है। मज़ा आ गया यार अपने स्प्रिंग चैम्पियन सेट को यूज़ करने में, वर्थ इट है इसे बाय करना। एंड अब शायद से हमारा ये टाइम लूप भी टूट चुका होगा, जाकर देखते हैं और चेक करते हैं हम यहाँ से निकल पाए कि नहीं। जून, ही इज़ अवेक, कैन ही कम विथ अस, वी कुड यूज हिम। तो यहाँ पे गाइज मार्कस ठीक हो चुका है और टाइम लूप शायद से टूट गया, हम यहाँ से निकलने वाले अभी। मार्कस, नाउ आई हैव फ्रीडम बट माई आर्मी इज स्टिल इम्प्रिजन्ड एंड आई एम गोइंग टू रिलीज देम। अरे कितना अच्छा लीडर है यार मार्कस, देखो अपने बंदों को पीछे नहीं छोड़ रहा है, ये जाएगा और उनको बचा कर लाएगा जो बाकी के बंदे इसके फंसे हुए टाइम लूप के अंदर। बहुत अच्छे ब्रो, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दिस, इवन इफ आई मस्ट गो बैक इन टू द साइकिल अगेन। ठीक है, तो ये साइकिल में वापस जा रहा है अपने बंदों को बचाने के लिए। ठीक है जाओ, ऑल द बेस्ट। इतु, ही वुडेंट गो विथ अस एनी वे एंड वी मस्ट गो नाउ, द साइकिल दैट हेल्ड अस विथ मार्कस इज नो लॉन्गर एक्टिव। तो यहाँ पे हम लोग वापस निकल रहे हैं, शायद से हमें फिर से बोलो के पास जाना पड़ेगा बदला लेने के लिए या फिर ऐसा ही कुछ, देखते हैं क्या होता है आगे गाइज। लेकिन यही था हमारा आज का शैडो फाइट 3 का एपिसोड। आज हमको बोलो ने एक टाइम लूप में फंसा दिया था, लेकिन हमने उस लूप को तोड़ दिया है और मार्कस को भी बचा लिया। ये बंदा सालों से उस टाइम लूप के अंदर फंसा हुआ था और अब जाकर ये भी आज़ाद हो चुका है। ऑल्सो मुझे मून के एक मैराथन से कुछ टोकन्स मिले थे जिनका मैं यहाँ पे स्पिन मार सकता हूँ, तो मार के चेक कर लेते हैं। और ये देखो बहुत सारे मुझे रिवॉर्ड्स मिल गए, इनका काम शायद से अपग्रेड्स करने में आएंगे और कुछ बूस्टर पैक्स भी मिलेगा। और ये देखो स्पेयर्स और कुछ और आइटम्स।
ऑलराइट गाइस, आई होप आप सभी को हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो इस वीडियो को जोर से एक लाइक कर देना। लाइक के मैं रखता हूँ 400 लाइक्स का, सो हिट दैट लाइक बटन नाउ। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम चेक करेंगे कि आगे क्या होने वाला है और वो मार्कस बंदा हमसे फिर कभी मिलता है या नहीं। ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करो। एंड आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।